गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। इधर बहुत सारी शादी ब्याह लगन और इस सब काम की वजह से बिजी ज्यादा भी रह गया है, लेकिन आपका कोर्स बहुत ही बेहतर तरीके से लगातार चल रहा है, इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हो। आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ, क्या कुछ चैप्टर का नाम याद होगा? इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। चैप्टर दो का जो नाम है आपका स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो अभी तक हम आपको जो भी पढ़ा रहे थे वो विभव के बारे में पढ़ा रहे थे, यहां से हम लोग धारिता के बारे में पढ़ेंगे कि धारिता क्या है, धारिता किसको कहते हैं, धारिता क्या चीज होता है, क्या है आपकी धारिता, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग धारिता के बारे में। धारिता अंग्रेजी होता है कैपेसिटेंस, धारिता अंग्रेजी होता है कैपेसिटेंस। धारिता क्या चीज है? तो बहादुर, धारिता धारण करने की क्षमता होती है। जैसे कोई बाल्टी ले लीजिए और उस बाल्टी में 20 लीटर पानी आ रहा है, तो उस बाल्टी की धारिता हो गई 20 लीटर। अब उस 20 लीटर में उसमें थोड़ा सा भी ज्यादा पानी डालिएगा, बाल्टी से पानी बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि बाल्टी की धारिता ही है 20 लीटर। यदि कोई डब्बा है और उस डब्बा में 5 लीटर पानी आ रहा है, तो उस डब्बे की धारिता है 5 लीटर। 5 लीटर से ज्यादा डालिएगा पानी बाहर निकलने लगेगा, तो उस डब्बे की धारिता है 5 लीटर। उस डब्बे की धारिता कितनी है? 5 लीटर। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, रखने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, पचाने की क्षमता। आप कितना धारण कर सकते हैं, कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना रख सकते हैं, कितना पचा सकते हैं, यही आपकी धारिता कहलाती है। तो किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है, किस चालक के धारण आवेश धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। तो किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है और इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। आप दुकान पर जाइएगा, बोलेगा हमें तार दीजिए, दुकानदार पूछता है क्या चलाना है, टीवी चलाना है तो ये वाला तार ले जाइए, पंखा चलाना है ये वाला तार ले जाइए, फ्रिज चलाना है ये वाला तार ले जाइए, कूलर चलाना है ये वाला तार ले जाइए, वॉशिंग मशीन चलाना है ये वाला तार ले जाइए। सबके लिए आपको अलग अलग तार रिकमेंड करता है। क्यों? सब चालक सब तार में अलग अलग करंट बहता है क्या? नहीं, सब में करंट सेम बहता है, लेकिन हाँ, सबकी आवेश धारण करने की क्षमता अलग अलग है। यदि आप पंखा चलाने वाले तार से हीटर चलाइएगा तो उसमें ज्यादा आवेश गुजरेगा, और अधिक आवेश गुजरेगा तो स्वाभाविक सी बात है तार गल जाएगा, आवेश चूने लगेगा, तार टपक कर गल जाएगा, चू जाएगा, क्योंकि उसकी धारण करने की क्षमता से आपने अधिक दे दिया है। तो किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता, किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश रखने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। तो वही कह रहा है, किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। प्रयोग से ऐसा पाया जाता है कि
प्रयोग से ऐसा पाया जाता है कि जैसे जैसे प्रयोग से ऐसा पाया जाता है कि जैसे जैसे आवेश दिया जाता है विभव का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आवेश दिया जाता है विभव का मान बढ़ता जाता है। अतः किसी चालक को दिया गया आवेश की वह मात्रा जो विभव के मान में इकाई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है, उसकी धारिता कहलाता है। किसी चालक को दिया गया आवेश की वह मात्रा जो विभव के मान में इकाई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है उसकी धारिता कहलाता है। किसी भी चालक को दिया गया आवेश की एक ऐसी मात्रा जो उसके विभव के मान में इकाई परिवर्तन, मतलब जैसे जैसे आवेश दिया जाता है विभव का मान बढ़ता है। आवेश बढ़ेगा विभव का मान बढ़ेगा। मान लीजिए अभी हमने 10 कूलम आवेश दिया है, विभव का मान 9 वोल्ट है। अब आवेश दे रहे हैं विभव बढ़ रहा है, जैसे ही आवेश का मान 15 कूलम हुआ, विभव का मान 9 से बढ़कर 10 हो गया, यानी विभव का मान 1 वोल्ट बढ़ गया। कब? जब हमने 5 कूलम एक्स्ट्रा आवेश दिया तब। यानी दिया गया आवेश की वह मात्रा जो विभव के मान में इकाई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है, वही उसकी धारिता है। विभव के मान में एक परिवर्तन करने के लिए जो दिया गया आवेश की मात्रा है, वही उसकी क्या है? धारिता है। चलिए, आपको पता होगा महादुर, जिस राशि के पर एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको बटन लगते हैं। तो विभव के मान में इकाई परिवर्तन, विभव आज्ञा बटन में दिया गया आवेश की वह मात्रा आवेश हो गया ऊपर, क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। धारिता बराबर आवेश बटा विभव, सी बराबर क्यू बटा भी, जिस राशि के पले लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको बटा बांटते हैं। तो विभव के पले इकाई लगा है, इसलिए विभव आ गया बटा में, दिया गया आवेश हो गया ऊपर, क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। तो धारिता बराबर दिया गया आवेश बटा में विभव, सी बराबर क्यू बटा में भी। आप जानते होंगे आवेश एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, आवेश की अदिश है, विभव की अदिश है, तो स्वाभाविक सी बात है धारिता भी एक अदिश राशि होगी। जब आवेश अदिश है, विभव अदिश है, तो स्वाभाविक सी बात है धारिता भी अदिश राशि होगी। आगे बढ़ते हैं। धारिता एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक
देखिए धारिता बराबर आवेश बटा विभव, तो आवेश का मात्रक कूलाम, अभिभव का मात्रक वोल्ट, जिसका ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसका ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, कूलाम प्रति वोल्ट को फैराड कहते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट को फैराड कहते हैं। अतः धारिता का ऐसा ही मात्रक, अतः धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। धारिता का ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, कूलाम प्रति वोल्ट को फैराड कहते हैं, अतः धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। तथा इसकी विमा देखिएगा, आवेश का बीमा हो गया आई टी, अभिभव का बीमा हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स थ्री, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स थ्री आई इनवर्स, तो एम ऊपर जाएगा एम इनवर्स, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा एल इनवर्स टू, टी के पावर माइनस तीन या टी के पावर प्लस एक ऊपर जाएगा प्लस चार, आई के पावर माइनस एक ऊपर जाएगा प्लस एक, एक आई पहले से है आई स्क्वायर, एम इनवर्स एल इनवर्स टू टी के पावर फोर आई स्क्वायर, यह हमारा धारिता का बीमा हो गया। इसकी बीमा एम इनवर्स एल इनवर्स टू टी के पावर फोर आई स्क्वायर होता है। धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है तथा इसकी बीमा एम इनवर्स एल इनवर्स टू टी के पावर फोर आई स्क्वायर होता है। यह रहा हमारा धारिता के बारे में, कुछ नोट यहां समझ लेते हैं। धारिता का व्यवहारिक मात्रक, मिली फैराड माइक्रो फैराड एवं पीको फैराड होता है। धारिता का ऐसा ही मात्रक मिली फैराड माइक्रो फैराड एवं पीको फैराड होता है। धारिता का ऐसा ही मात्रक जो व्यवहारिक मात्रक जो है, भले ही ऐसा ही मात्रक फैराड होता है, लेकिन जो इस्तेमाल में आने वाला मात्रक है, जो व्यवहारिक मात्रक है, वो हमारा मिली फैराड माइक्रो फैराड और पीको फैराड होता है। नोट नंबर टू में देखते हैं, नोट नंबर टू में किसी गोलीय चालक के अंदर विभव, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इस गोलीय चालक के अंदर विभव का मान समरूप नियत अथवा कांस्टेंट होता है। किसी भी गोलीय चालक कि अंदर विभव का मान, गोलीय चालक के अंदर जो विभव है उसका मान समरूप होता है, नियत होता है, या कहें कि आप कांस्टेंट होता है। नोट नंबर तीन में किसी गोलीय चालक के अंदर, विभव का मान सतह पर के विभव के मान के बराबर होता है। गोलीय चालक के अंदर विभव का मान
सतह पर के विभव के मान के बराबर होता है। गोलीय चालक के अंदर विभव का मान सतह पर के विभव के मान के बराबर होता है। यदि हमारा यहाँ सतह पर विभव, यदि यहाँ सतह पर विभव 10 वोल्ट है तो इसके अंदर हर बिंदु पर, इसके अंदर कोई भी बिंदु हो, हर बिंदु पर विभव 10 वोल्ट होगा। यदि गोलीय चालक के सतह पर विभव 10 वोल्ट है तो अंदर में हर एक बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि गोलीय चालक के अंदर विभव समरूप और कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, बदलता नहीं है। गोलीय चालक के अंदर विभव का मान समरूप होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, नियत होता है, बदलता नहीं है। यदि सतह पर विभव 10 वोल्ट है तो सतह के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर होता है। यदि सतह पर विभव 10 वोल्ट है तो गोलीय चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान भी 10 वोल्ट होगा। तो हर बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट होगा। वही बात कह रहा है, गोलीय चालक के अंदर विभव का मान सतह पर के विभव के मान के बराबर होता है। गोलीय चालक के अंदर विभव का मान सतह पर के विभव के मान के बराबर होता है। ये रहा हमारा अभी तक के धारिता के बारे में। अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि धारिता क्या है। तो धारिता आवेश की धारण करने की क्षमता है, पचाने की क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता है। नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में आज आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कंप्लीट ग्रुप नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में होगा। डायग्राम आपको वीडियो देखकर बनाना होगा। नोट्स जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में आज भेज दिया जाएगा चैप्टर 1-2 का, लेकिन डायग्राम जो उसमें का होगा वो आपको वीडियो देख करके बनाने होंगे। तो किसी भी गोलीय चालक के अंदर आवेश धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। प्रयोग से ऐसा पाया जाता है कि जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता है वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ता है। किसी भी चालक को दिया गया आवेश की वह मात्रा, किसी चालक को दिया गया आवेश की वह मात्रा एक ऐसी मात्रा जो विभव के मान में इकाई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है उसकी धारिता कहलाता है। धारिता बराबर आवेश बटा में विभव, सी बराबर क्यू बटा में भी। जिस राशि के बल एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको बटा में रखते हैं, इसलिए विभव बटा में आ गया। धारिता आवेश अधिश है, विभव अधिश है, इसीलिए धारिता एक अधिश राशि है। आवेश अधिश है, विभव एक अधिश है, इसीलिए धारिता एक अधिश राशि है। इसका आवेश कैसा ही मात्रा कूलाम, विभव कैसा ही मात्रा वोल्ट, इसलिए धारिता कैसा ही मात्रा कूलाम प्रति वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट को फराड कहते हैं, इसलिए धारिता कैसा मात्रा फराड होता है। इसकी विमा इतनी होती है। धारिता का व्यवहारिक मात्रक, धारिता का व्यवहारिक मात्रक मिली फराड, माइक्रो फराड या पीको फराड। व्यवहारिक मात्रक मतलब इस्तेमाल होने वाला मात्रक, भले ही फराड ऐसे मात्रक है लेकिन कहीं भी इस्तेमाल फराड नहीं होता है। हर जगह मात्रक में मिली फराड, माइक्रो फराड, पीको फराड ही इस्तेमाल होता है। किसी भी गोलीय चालक के अंदर विभव का मान समरूप, नियत अथवा कांस्टेंट होता है। किसी भी गोलीय चालक के अंदर विभव का मान समरूप होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, स्थिर होता है, जो आप कह सकते हैं। किसी गोलीय चालक के अंदर विभव का मान सतह पर के विभव के मान के बराबर होता है। यदि सतह पर विभव 10 वोल्ट है तो गोलीय चालक के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान भी 10 वोल्ट होगा। सब जगह विभव का मान 10 वोल्ट होगा। ये रहा आपका धारिता के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा किसी गोलीय चालक की धारिता का समीकरण प्राप्त करें। किसी गोलीय चालक की धारिता का समीकरण प्राप्त करें, किसी भी गोलीय चालक की धारिता का समीकरण प्राप्त करें। गोलीय चालक की धारिता का समीकरण कितना होगा? किसी भी गोलीय चालक की धारिता का समीकरण प्राप्त करें, किसी गोलीय चालक की धारिता का समीकरण प्राप्त करें। ये हमारा एक गोलीय चालक है,
जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या आर है। इसके सतह पर यह गोलीय चालक है, जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या आर है। इसके सतह पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। चित्र में ओ केंद्र एवं आर त्रिज्या का कोई आवेशित गोलीय चालक दर्शाया गया है। चित्र में ओ केंद्र एवं आर त्रिज्या का कोई आवेशित गोलीय चालक दर्शाया गया है, जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। माना गोलीय चालक के सतह पर विभव बराबर भी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में आर, भी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में आर। माना गोलीय चालक की धारिता बराबर सी बराबर क्यू बाई भी, अभी जस्ट आए हैं तो भी बराबर क्यू बाई सी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट लेफ्ट बराबर टू राइट राइट बराबर हम लिख सकते हैं क्यू बाई सी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में आर। क्यू से क्यू कटेगा, सी बराबर 4πε0 इंटू आर, समीकरण 3। समीकरण 3 गोलीय चालक की धारिता का समीकरण है। समीकरण 3 गोलीय चालक की धारिता का समीकरण है। चूंकि 4πε0 बराबर कांस्टेंट, आप भी जानते हैं 4πε0 कांस्टेंट होता है, इसलिए कांस्टेंट बांटा है समानुपाती का चिन्ह देंगे सी समानुपाती आर, यानी अतः गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है। गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है। बहुत ही बेहतरीन डेरिवेटिव है। गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती है? त्रिज्या के समानुपाती है। त्रिज्या बढ़ेगा धारिता बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा धारिता घटेगा, तो गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। यहां से एक और नोट हम पढ़ाने वाले, ये भी नोट समझिए, एक नोट यहां देखिए, नोट नंबर 1, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है अब आवेशित में प्लस भी हो सकता है और
माइनस वी। जो साबुन के बुलबुले को आवेशित कहता है, यानी चाहे पॉजिटिव करिए या निगेटिव करिए, तो उसका आकार, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसका आकार यानी त्रिज्या बढ़ती है। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसका आकार यानी त्रिज्या बढ़ती है। धन आवेशित करेंगे तो भी आकार बढ़ेगा, ऋण आवेशित करेंगे तो भी आकार बढ़ेगा। और जस्ट यहां बताए हैं कि त्रिज्या बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उसका आकार बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ती है, आकार बढ़ता है। धन आवेशित करेंगे तो भी आकार बढ़ेगा, ऋण आवेशित करेंगे तो भी आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है त्रिज्या बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी धारिता बढ़ेगा। साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ती है, तो उसकी धारिता बढ़ती है। साबुन के बुलबुले को जब आप आवेशित करेंगे, आवेशित प्लस करिए या माइनस करिए बात नहीं है, घर आवेशित करेंगे तो भी आकार बढ़ेगा, ऋण आवेशित करेंगे तो भी आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। यानी साबुन के बुलबुले को धन आवेशित करेंगे तो भी उसकी धारिता बढ़ती है, ऋण आवेशित करेंगे तो भी उसकी धारिता बढ़ती है। इस प्रकार आपका गोलीय चालक की धारिता का टॉपिक समाप्त हुआ। तो आज का हमने क्लास में आपको बताया गोलीय चालक, पहले तो बताया धारिता क्या है, धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता का मात्रक और विमा क्या है, धारिता का व्यवहारिक मात्रक क्या है। उसके बाद दो तीन नोट बता दिया जो कि बहुत ही हाई लेवल नोट थे। इसके बाद किसी गोलीय चालक की धारिता का समीकरण, गोलीय चालक धारिता का समीकरण सी बराबर 4π0r, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, एग्जाम में न्यूमेरिकल में हमेशा चर्चा होते रहता है। 4π0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट घटा दिया समानुपाती का चिन्ह दिया तो सी समानुपाती r, यानी गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती है, त्रिज्या के समानुपाती। बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव, एक हाई लेवल ऑब्जेक्टिव है हमारा। ये भी हमारा नोट 1 है, नोट 2 है, ये भी हमारा बीबीए ऑब्जेक्टिव है कि साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उसका आकार बढ़ेगा, आकार यानी त्रिज्या बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा। यानी साबुन के बुलबुले को धन आवेशित करेंगे तो भी उसकी धारिता बढ़ेगा, ऋण आवेशित करेंगे तो भी उसकी धारिता बढ़ेगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही रह देंगे, अगला क्लास कुछ खास नहीं होने वाला है, फिर भी उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। नोट्स जो है आज आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ में रूप में चतुर्वर्ण चतुर्थ दोनों का मिल जाएगा। डायग्राम जो होगा वो आपको वीडियो देख करके बनाना होगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।